अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात का दिन और डेट है आज 17 अगस्त। अच्छा, तो क्या नाचोगे? आज मैंने आपसे कुछ और बातें शेयर करनी थी। हम लोग नाश्ता भी कर रहे थे तो बड़ा अच्छा मौसम हो गया, ऐसे काले स्याह बादल आ गए और बादल इतनी जोर जोर के गरजे कि बारिश जो है वो हुई लेकिन कम हुई। पिछली बार के मिस पिछली बार बारिश बहुत तेज हुई थी। अच्छा, ये तो हो गया वेदर कि आज रेनी डे है, सनी डे नहीं है। सनी डे बाद में हो जाए तो कोई पता नहीं, अभी तक तो फिलहाल रेनी डे है जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ। है ना मज़े की बात। तो एक बच्चा जो है वो स्कूल गया हुआ है और एक बच्चा घर पे है। उसकी क्या रीज़न है कि एक बच्चा घर पर है और एक बच्चा स्कूल गया हुआ है? उसकी रीज़न ये है कि एक बच्चे को कल शाम को चोट लग गई थी, वो साइकिल से गिर गया था। सर इधर भी दिखाओ, इधर तो कोई खास नहीं लगी, ना हाथ में लगी। विकास ये लग गया विकास बस। कैसे क्या हुआ भाई तुम्हें? हाँ, साइकिल साइकिल चला रहा, और साइकिल में ब्रेक मारी और ब्रेक मेरी मारी है तो आगे बीच में स्लिप हो गया और ये इसके चोट लग गई है। शलवार दिखाओ अपनी, शलवार ये सारी फट गई है, ठीक है ना। और ये बेगम साहब है, इसकी डिटोल से पहले सारी सफाई कर दी है और अब अभी बर्नआउट लग रहा है, खून नहीं रुक रहा। ठीक है ना। साइकिल से गिर के उसने अपनी नी पे चोट लगवा ली, गोड़े पे। तो घुटना उसका बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया और उसकी मैंने पट्टी शट्टी तो कर दी थी, डिटोल से उसको साफ सुफ करके पेबरनोल लगा के उसको पट्टी कर दी। तो उसके बाजुओं पे और हाथों पे बहुत ज़्यादा जोर आया था जब वो गिरा साइकिल से, तो उसने अपना सारा जिसम शायद बाजुओं पर डाल दिया, हाथों पर डाल दिया, जिसकी वजह से उसके हाथ जो है वो बहुत दर्द कर रहे थे। तो रात को उसको मैंने पैनाडोल की गोली खिला दी थी कि पैनाडोल की गोली खाओ और सो जाओ, आराम करो। तो स्कूल में तो खेलना खुलना तो होता नहीं है, बैठे रहना होता है, लेकिन मसला सारा हाथों का था कि हाथों से उसे कुछ पकड़ा नहीं था जा रहा, जान नहीं थी जैसे कहते हैं ना। जैसे चोट लगी और आया तो कांप रहे थे उसके हाथ, ऐसे 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 कांप रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो मैंने इसकी शलवार भी पटी देखी और मुझे पता लग गया कि इसको चोट लगी है। तो पीछे हस्बैंड साहब भी देखे आ रहे हैं कैमरे में और फटाफट शर्ट पहन रहे हैं कि मैं कैमरे में आ रहा हूँ, है ना, आ रहे हैं ना। मैडस लगाइए इसको। हाँ, वो ही बता रही हूँ व्यूअर्स को भी। तो चलें, वो कहता है मेरी पट्टी अम्मी चेंज कर दें, तो करूँ कि ना करूँ चेंज पट्टी? देखो ना, वो बरसात है तो बरसात में खराब होने का ज्यादा चांस होता है ना, बरसात में वो जख्म ज्यादा खराब होता है ना, तो जिधर वो चेक करो, अगर चिपक गई है तो फिर रहने दो। हाँ, नहीं चिपकी नहीं होगी, अगर चिपकी नहीं है तो फिर एक पट्टी और कर दो इसको, वही क्रीम लगा कर, ठीक है ना। हाँ ठीक है। बर्नोल जो है वो एंटीसेप्टिक है ना, तो इसलिए मैंने इसको बर्नोल लगा दिया था और हल्दी वाला दूध भी, सॉरी, दे दिया था मैंने इसको। हल्दी वाला दूध जो है वो बेनिफिट होता है, बहुत अच्छा होता है। और छोटा जो है वो सुबह नाश्ता उनका बिल्कुल नहीं कर गया था, बहुत कुछ हमने चढ़ा उस पर, रोटी उसको बना के दो। हाँ, मालिश तो करो ना। अब तो तकरीर बाद में करो। हाँ हाँ छोटा अपनी डायरी जो भूल गया। हाँ, छोटा डायरी भूल गया, ठीक है ना। चले पहले इसकी पट्टी चेंज करते हैं, पट्टी चेंज करते हैं और फिर इसकी मालिश भी करते हैं। तो कपड़े भी और देने हैं। इसकी पट्टी लगाई थी तो आप इसको देखते हैं, इसकी मेरे ख्याल में चिपक गई होगी भाई, जिसमें ये खून बाहर आ गया ना इसका हल्का हल्का, तो इसकी पट्टी चिपक गई होगी। चले मैं करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इधर देखो भाई, और यहाँ पे ये इसकी पट्टियाँ हो रही हैं, और देखें ये इसकी चीखें। इसको यहाँ पहले भी, यहाँ ना इस पाँव बाजू का ना मियाँ वाली में चोट लगी थी कोई आज से कुछ 3-4 साल पहले, 4 साल नहीं ज़्यादा, तो ज़्यादा 5 साल 6 साल तो छोटा सा था, तो ये इसका उसकी काफ़ी मसल डैमेज हो गया था, फिर वहीं पे इसको झटका लगा था, ज़्यादा दर्द हो रहा है इसको 5-6 साल पहले। लेट्स सी, इंशाल्लाह एक आध दिन में ये भी ठीक हो जाएगा।
यहाँ पर अब मैं दाल को तड़का लगाने लगी हूँ। दाल मैंने कौन सी पकाई थी रात को, चलें चेक करते हैं। ये मैंने मसर पकाए थे रात को। तो बस अब ये इसमें लहसुन का मैं तड़का लगा रही हूँ, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल लेंगे। ज़ीरे वाली बोतल को हम खोल लेते हैं, ये ब्राउन हो जाए तब तक। और ये लगा तड़का दाल को, अच्छे वाला तड़का। ये एक सालन बचा हुआ था, मैंने कहा दाल कम है तो चलें इसको भी गर्म कर लेते हैं। ये है गोश्त का सालन। चलो बंद। अभी यहाँ से सुलेमान एंटर होगा, ठीक है ना, उसको नहीं पता कि उसकी वीडियो बना। वालेकुम अस्सलाम। चावल हैं भाई तुम्हारे? चावल तो क्रॉस थे, चावल पिछले बार मैंने खाए थे। अब बच्चे खाएंगे भाई, मंडे को तो इन दोनों ने खाए थे, अब बच्चे खाएंगे भाई। नो नो, मंडे को किस किसने खाए थे? अभी यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, चावल किसने खाया था, चावल किसने खाया था। भाई मंडे को इन दो, इसने भी खाया चावल, इसने भी खाया चावल, मैं नहीं खाया मंडे को। वाइट थोड़ी ना थे, वाइट थोड़ी ना थे। हाँ भाई, मैं पहले आऊंगा। वाइट तो उसके फेवरेट है भाई। वाइट थे तो भी चावल तो थे ना भाई। वाइट चावल ने कोई सा भी आ गई। चावल की डिस्कशन बाद में कर, पर मुझे आप ये बता डायरी क्यों नहीं। हाँ डायरी तुम लेकर गए, तुम डायरी क्यों नहीं लेकर गए? गजब बेइज्जती है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। बैग सही तरह पैक किया करो ना, चेक किया। बैग में देखते हैं कट कर डायरी के अंदर की डायरी। अब डायरी आई है वो लिख लो इसमें। नहीं मैं तो लिखता। क्यों नहीं? मैं तो लिखता। लीडर उस्मान बने। उस्मान बन गया मॉनिटर। वो बैग बना था, वो बैग से ले ली क्योंकि पिछले वो उधर वो भी बना, वही बना था पिछले फर्स्ट टर्म में भी, वही बना था। हां ये फर्स्ट टर्म ही है। उस्मान उस्मान चलो ठीक हो गया। आप, आप काम मंगवा लो, हमारा फर्स्ट टाइम में वो था। अभी ठहरो, अभी तो बच्चे गए होंगे ना घरों में, खाने खाना खाए हाँ, तो आधे घंटे घंटे के बाद ही फोन करना ना किसी को, अभी तो छुट्टी हुई है। गली में घर है उसका अपना। ये देखें पकोड़े बनाने लगी हूँ हस्बैंड की फरमाइश पे। पकोड़े जरा सी बारिश हो लगता है पकोड़े बना लो, पकोड़े बना लो। आज रेनी डे है, रेनी डे है ना, आज रेनी डे है। बारिश हुई थी सुबह, आप बताएं, मैंने आपको दिखाया था कितना जबरदस्त फायदा है। हाँ। सुबह जब बारिश हुई थी तो फिर मैंने कहा था कि रेनी डे पकोड़े बनेंगे। पकोड़े बना लो, पकोड़े बना लो। और अब इतने सा बेसन है तो थोड़े से बन जाएंगे, ठीक है।